क्रेजी होती जा रही हूं। अगर मैं ना पता नहीं मौसम ऐसा, मेरे को नहीं पता मौसम की वजह से है कि सच में सभी के साथ ऐसा हो रहा है इस टाइम पे कि मैं सुस्त हो गई हूं। लाइक अगर मैं थोड़ी ऐसा होता थोड़ी रेस्ट कर लेती हूं, जैसे वैसे लेती हूं मेरे को नींद आ जाती है, मैं वहीं पे सो जाती हूं, फिर मेरे को लाइक उठा नहीं सकता कोई, आधा घंटा बिल्कुल नहीं उठा सकता, उसके बाद देन उठ सकती हूं मैं। सो अभी मैं अपनी नींद निकाल के आधे घंटे की, और मेरे को पता नहीं नींद अब आ रही है, हवा बहुत चल रही है, बाहर हवा की वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, तो दैट्स व्हाई मैं छत पे भी नहीं गई, नीचे थी और अपना काम फिनिश करके ऑनलाइन वर्क सारा फिनिश करके अभी मैं एक ना फोन की वजह से टाइडनेस बहुत जल्दी आती है, आइस पेन होने लग जाती है, जैसे मेरी आई साइट वीक है और फिर मेरे को स्पेक्स लगानी पड़ती है, सो स्पेक्स लगाने की वजह से ना आंखों के यहाँ पे पेन होने लग जाती है कभी कभी यहाँ दोनों आई साइड पे। सो मैं चेंज आइस को, फिर मैं उसको पानी वॉश कर लेती हूँ ठंडे पानी से, आंखों में छिट छिटे मार लेती हूँ, उसके बाद फिर काम चल जाती है। बट अभी मेरे को आज बेवस हो गई, मेरे को नींद आ गई थी, समझ लो हेल्पलेस हो चुकी थी मैं और मेरे को सोना ही सोना था, सो मैं सो के अभी उठी हूँ और 5:30 हो चुके हैं और मेरे को लगी है भूख, और इस टाइम मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, इस टाइम थोड़ा सा हम कुछ लेते हैं। अगर चाय की बात करो तो चाय मैं पीती नहीं हूँ, मेरे को चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने स्टार्टिंग से नहीं पिया चाय, और दूध पीने का मेरा मन नहीं है, दूध रात को ठीक है पहले पी रही थी मेरी नींद में, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, चेंज होती जा रही है, मेरे टेस्ट चेंज होते जा रहे हैं, सो अब इस टाइम मुझे दूध की भी क्रेविंग नहीं है, भूख ऐसे लगी है बट दूध नहीं पीना। सो देखते हैं चलो कुछ क्या बनाते हैं अभी, और आप कैसे हो, आप भी मेरे को लगता है अच्छे होंगे, और ये मौसम ऐसा है अपना ध्यान रखो हेल्थ का, मेरे को भी जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा थकावट सी हो जाती है, फटीक सा हो जाता है मौसम की वजह से, ये जस्ट मौसम बाहर हवा चल रही है वो हमें वैसे खराब करती है। सो चलिए हम बनाते हैं कुछ। और इस टाइम हमारे टीवी पे लगाया हुआ है माता जी का प्रोग्राम, सो इवनिंग में क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ, मम्मा है जो मेरे मम्मा है जो इवनिंग में अपने आप इस चैनल को लगा देते हैं, सभी के आता होगा ये फास्ट वे का, सो क्या करते हैं इस टाइम हम हमारे जो माता जी की ये भेंटने चलती हैं, डायरेक्ट पटियाला से है कला माते का मंदिर है जो वहाँ से पटियाला से लाइव आता है, तो हमारे ये मोस्टली यही चलती रहती हैं, हम इसको ही देखते हैं, और आप भी दर्शन कर लीजिए माता के, कितनी सुंदर है ना माता, वैसे हम जब हमारे इसके लिए हम ऐसे लगाते हैं कि ना कान में वॉइस पड़ती रहती है ना माता जी की, भेंटों की आवाज़ आती रहती है, और प्लस अगर कोई घर में एंटर होता है ना, हमारे घर में जब कोई एंटर होता है तो सीधा वो पहले माथा टेकता है माता की तरफ, फिर देन वो एंटर होके घर में आगे जो भी है बातें बूटे स्टार्ट करते हैं, सो ये हमारा लगाने का मकसद ये है कि एक तो हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है और एक हमको भी दर्शन होते रहते हैं माता के, डायरेक्ट पटियाले जाना डेली की पॉसिबल तो है नहीं, आपको पता है 2-3 मंथ्स के बाद हमारा कभी जो चक्कर लगता है, मेरी सिस्टर जो पटियाला में है तो हम जाते रहते हैं ऐसे, बट फिर भी हमें डेली दर्शन करने होते हैं तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, सो हम यहीं से माता के जो दर्शन कर लेते हैं। सो चलिए अब कुछ खाने के बताते हैं, बातें ज्यादा ना करते हुए। मुझे कुछ मिला नहीं, मेरा कुछ पीने का मन करा तो मैंने क्या किया, फ्रिज में से ठंडी गाजर निकाल लिए, गाजर और ये है जिंजर और ये है लेमन, सो हम बनाएंगे गाजर का जूस और उसको हम पीएंगे, वो हेल्थी भी है वैसे, मैंने स्टार्ट किया हुआ है, मेरे को 5-6 डेज हो गया मैं कंटिन्यूसली जो ये गाजर का जूस पी रही हूँ, और हेल्थ के लिए भी अच्छा, बहुत सारी इम्यूनिटी भी मिलती है, और प्लस इसमें बहुत सारे और भी बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। सो अब हम इसको बनाते हैं इसमें जूस में से, चलिए आप ब्लैक नमक यूज़ कर सकते हैं, इसमें जिंजर है जो मैंने और लेमन जो पहले से डाल दिया था, और जरूर पीना चाहिए भर के कप, सो इसमें मैं और जो मेरे को डालना है वो डालूंगी, अब इसको आप गिलास भर के पी लो, वैसे ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको ये ज़रूर पीना चाहिए, मैं डेली अभी पी रही हूँ और मेरे को काफ़ी सारा इसके फायदे लग रहे हैं, सो इसलिए आपको मैं रिकमेंड करती हूँ आप भी ये जो कैरेट का जूस है ज़रूर पीजिए। सो गाइज जी अब मैं पी रही हूँ जूस, और आप हम कैसे शेयर कर सकते हो लीजिए, और सॉरी मैं नहीं दे सकती हूँ बट मैं जस्ट शो ही कर सकती हूँ अभी इस टाइम, और मैंने जो ये वीडियो बनाई थी, मैंने इसलिए बनाई थी आज की वीडियो कि जैसे कि आपको पता है मेरे आज 4K सब्सक्राइबर हैं जो पूरे हो चुके हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे 4K बीच में कॉल आ रही थी मेरी फ्रेंड की, सॉरी फॉर दैट, और मेरे 4K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं आज, सो थैंक्स टू ऑल जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, एंड जैसे कि मेरे को बिलीव नहीं होता कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, यू नो जीरो से स्टार्ट किया था, और एक एक पर देखना आज 10 हो गया, आज 20 हो गया, तो फाइनली जब 1K सब्सक्राइबर पूरे हुए देन चैनल मोनेटाइजेशन होती है, तो मैं उसकी भी वेट करती थी कि कभी मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे होंगे, बट जब हो गए ना मेरे को पता ही नहीं लगा, और फिर उसके बाद मैंने ध्यान देना छोड़ दिया सब्सक्राइबर्स की तरफ, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि अपने आप बढ़ते जाएंगे कोई बात नहीं, बट फाइनली अब 4K सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, सो इट इज़ अनबिलीवेबल फॉर मी, मतलब
एक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मानती हूँ क्योंकि मिलियन में सब्सक्राइबर्स है और उसके मुकाबले जो 4K है कुछ मायने नहीं रखते हैं, बट फॉर मी एज अ पर्सन अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए इन 4K का मायने बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मेरे को पता है मैंने कैसे सब्सक्राइबर्स जो गेन किए हैं और किस तरह से मैंने अपने कंटेंट्स को जो कंटिन्यूस डाला है या फिर जो जैसे भी मेरा कभी रैंडमली वीडियोज पड़ी हैं, बट फिर भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो क्लैपिंग फॉर मी एंड क्लैपिंग फॉर यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और उसी खुशी में आज हम पी लेते हैं जूस। और मैं होप करती हूँ कि आगे भी आप मेरे साथ इसी तरह सब्सक्राइबर मेरे बनते बने रहोगे और आपको मेरे जो कंटेंट्स अच्छे लगेंगे। और यस, मुझे एक बात और बोलनी है, मे बी अगर मेरे सब्सक्राइबर 5K तक कंप्लीट होते हैं तो डायरेक्ट मैं फेस टू फेस है जो वीडियोस को जरूर शूट करूंगी, बट अभी मेरे को 10 तो नहीं 5K तक मेरे को भी जाना है, अभी 4K थोड़े से कम है। सो 5,000 सब्सक्राइबर्स के बाद मे बी मैं डायरेक्ट फेस टू फेस वीडियो जो अपलोड करने लग जाऊंगी। सो प्लीज इसी तरह मेरे साथ बने रहिए मेरी जर्नी में, यूट्यूब जर्नी में, और इसी तरह मैं वीडियोस डालती रहूंगी, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।